आप सरतुषा यहाँ पर है? सरतुषा नहीं तो? या नहीं? नहीं, वो यहाँ नहीं आई. अब तो शायद मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती. अच्छा, आप माइंड ना करें, मैं आपसे कुछ बातें कर सकता हूँ? हाँ प्लीज़, अंदर आइए आप. आर यू श्योर? या प्लीज़. थैंक यू. कुछ लेंगे आप, चाय कॉफी वगैरह कुछ? प्लीज़. सोबिया, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ. जी. उस दिन जब सरतुषा आपसे मिलने आई थी, आप लोगों के दरमियान ऐसी क्या बात हुई थी? मुझे कुछ याद नहीं है. मैं समझ सकता हूँ कि आप मुझे नहीं बताना पसंद करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूरियाँ तो हमारे बीच में पहले भी थी, मगर उस दिन के बाद से कुछ बढ़ सी गई. वो मुझसे कोई बात ही नहीं करती, कुछ बताती नहीं है, बताए बगैर घर से चली जाती है, और आज तो दूरी की इंतहा हो गई. किसी को भी बताए बगैर वो घर से कहीं चली गई. अगर यहाँ भी नहीं है तो फिर कहाँ है? मैं ये सोच के आया था कि इन चीजों के कुछ जवाब तो मुझे आपसे मिल ही जाएंगे, मगर ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे. सुहेल, मैंने बहुत सोचा और बहुत कोशिश भी की कि खुद को तुम्हारे पास आने से रोकूं, लेकिन रोक नहीं सकी. मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती. तुम्हारी बातों से ये जवाब मिला है कि हम दो किनारों के अलग अलग मुसाफिर हैं. रास्ता कैसे काटना है तुमने अपना सोचना है, मैंने अपना, और मैंने अपना सोच लिया. क्या अगर हम जिंदगी में कभी आमने सामने हो भी गए तो मैं तुम्हें पहचान नहीं सकूंगा. कहने से हो नहीं जाता. मैं करके दिखाऊंगा. और प्लीज तुम पागल मत बनो. पागल करके जा रहे हो और कह रहे हो पागल मत बनो? तो मेरे बगैर जीने की एक्टिंग कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं. मैं दिन रात जिसके बारे में सोचती हूँ उसी के साथ रहूंगी. और अगर तुमने ये शहर छोड़ने की कोशिश की ना, तो मैं ये दुनिया छोड़ दूंगी. तुम्हें पता है मैं जिद की कितनी पक्की हूं.
आप जाग रहे हैं? हाँ। क्या है ये सब? पता नहीं कहना भी चाहिए या नहीं। आप जो भी कहना चाहती हैं कह सकती हैं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप इनकार तो नहीं करेंगे ना? शादी के बाद पहली बार तो आप कुछ मांगने वाली हैं, मैं इनकार कैसे कर सकता? मांगे क्या चाहिए? तैमूर, मैं आपके प्यार की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी क्योंकि मैं प्यार किसी और से करती हूँ और वो भी मुझसे इतना ही प्यार करता है। बस किसी गलत फहमी की वजह से हम एक नहीं हो पाए, लेकिन अब वो मुझे मिल गया है। इसलिए आप मुझे डिवोर्स दे दें। देख रही, मैं अपने आप को बचाना चाहती हूं लेकिन बचा नहीं पा रही। सबा बेगम अल्लाह का नाम लेकर सोया करो और उसी की जात पर भरोसा रखो। अल्लाह पर ही तो भरोसा है, लेकिन खुद पर नहीं। ऐसे लगता है जैसे जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। शासन सबा बेगम, तूफानों का मुकाबला हिम्मत से किया जाता है। चलो सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मुझे नींद नहीं आ रही। देखो, लेटोगी और आंखें बंद करोगी तो खुद बहुत नींद आ जाएगी। चल शाबाश, लेट जा, लेट जा, लेट जा। या अल्लाह, अब जो होना था वो तो हो गया और एक ना एक दिन ये होना ही था। अब तुम चुप क्यों बैठे हो? क्या बोलूं मैं? तुम्हारी इस हरकत से मैं अपनी नजरों में मुजरिम बन गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारा घर टूटने की वजह सिर्फ मैं ही हूं। मैंने जो भी किया है अपने प्यार के खातिर किया है। अब हम इससे आगे बढ़ के सोचे कि हमें करना क्या है। सरताज, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि एक तूफान उठने वाला है। ये खबर तुम्हारे घर वालों तक पहुंच गई है। अब तुम देखना, वो हम दोनों को मारने की कोशिश करेंगे। तो तुम क्या मरने से डरते हो? नहीं, लेकिन तुम्हें कुछ ना हो इस चीज से डरता हूं। सुहेल, तुम मेरे साथ हो
मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मैं तो हूँ सरतशाह, लेकिन अब ये सोचो कि इतनी रात होगी, हमने करना क्या है? मुझे क्या पता, मैं तो अपना सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ तुम्हारे लिए। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें सोबिया की तरफ छोड़ देता हूँ, तुम एक आध दिन वहां रहो, फिर कुछ ना कुछ मैं अरेंज कर लूंगा। सोबिया के यहाँ जाना ठीक रहेगा? क्यों नहीं, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और उसे हमारी मदद करनी चाहिए। हाँ वो तो है, लेकिन पिछली बार सारी कंफ्यूजन उसी ने क्रिएट की थी और उसकी वजह से हमारे बीच में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। देखो जरतुशाह, उस वक्त सिचुएशन कुछ और थी। देख लो। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं पहले सोबिया को फोन कर लेता हूँ, उसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहती है। ठीक है। हेलो सोबिया, वो इस वक्त तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। सब ठीक तो है ना? नहीं सोबिया, कुछ ठीक नहीं है। एक्चुअली जरतशाह ने डिवोर्स ले लिया है तैमूर से। ये क्या किया तुम दोनों ने? सोबिया मैंने कुछ नहीं किया। सरताशाह ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैंने तुमसे फैसला करवाने के लिए कॉल नहीं किया है। मैंने अच्छा किया या बुरा, मुझे सिर्फ तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प? मैं तुम्हारे पास कुछ दिन रहना चाह रही थी, जैसी सोहेल कुछ अरेंज कर लेगा मैं खुद चली जाऊंगी। कहोगी तो मैं रेंट भी शेयर कर लूंगी तुम्हारे साथ। कैसी बातें कर रही हो तुम? अब मैं तुमसे रेंट लूंगी घर पर रहने का? मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। आई एम सॉरी जरतशाह, लेकिन इन हालात में मैं ये बोझ नहीं उठा सकती। सरतशाह, इसी अंजाम से बचाने के लिए मैंने तुम दोनों से झूठ बोला था, और जैसे मेरा झूठ का पता चला उस दिन तुम दोनों ने सब कुछ दांव पे लगा दिया और तुमने अपनी फैमिली के बारे में कुछ सोचा भी नहीं कि तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा। मैं समझ रही कि तुम मेरी दोस्त हो, मुझे क्या पता था कि तुम मेरी फैमिली की वकील बन चुकी हो। लेक्चर देते हुए ये क्यों भूल जाती हो तुम कि मैंने शादी बाद में की थी, पहले मैंने मोहब्बत की थी, घर वालों की मान कर मैंने ये शादी की थी, और इस शादी से किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ, ना मुझे और ना उसे जिससे मेरी शादी की गई थी। ये सब एक अग्रीमेंट था, एक अरेंजमेंट था जिसके तहत मैं उसके साथ रह रही थी और वो मेरे साथ। और ये सब मैं इसलिए करी थी सोबिया क्योंकि मेरा प्यार मेरे सामने नहीं था। अब जब मेरा प्यार मेरे सामने है तो मुझे किसी के साथ रहने की जरूरत नहीं है। अब ये बात किसी को बुरी लगे या अच्छी, आई डोंट केयर। सरतशाह, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? सरताशाह ने मुझसे डिवोर्स ले ली। ये कोई बच्चों का खेल है कि उसने तुमसे डिवोर्स मांगी और तुमने उसे दे दी? तो और क्या करता है? जब से वो इस घर में आई है उसने एक दिन भी इस बात का सबूत नहीं दिया कि वो इस घर की बहू है। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि हो सकता है उसे इस घर में एडजस्ट होने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हों। वो एडजस्ट नहीं कर सकती थी अम्मी जान, क्योंकि उसे उसकी मर्जी के खिलाफ इस घर की दुल्हन बनाया गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी जान वो किसी और को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती है। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे लगता है तुम्हारा उससे किसी बात पे झगड़ा हुआ है और गुस्से में आके तुमने उसे तलाक दे दी और अब मुझे मुतमईन करने के लिए तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो। ये इल्जाम नहीं है अम्मी जान, आपके सर की कसम मैंने गुस्से में आके ये फैसला नहीं किया, ये उसी की जिद थी।
दुख तो मुझे भी बहुत हुआ ये सब करते हुए, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं था। एक और तलख हकीकत भी है मीचा, आज तक मेरे और जरतशाह के बीच कभी मियां बीवी वाला रिश्ता कायम ही नहीं हो पाया। जिद और बदले में लोग सब कुछ भूल जाते हैं। अम्मी जान जहीर समझदार आदमी है, मैं नहीं समझता कि वो बदला लेने के लिए अपना घर बर्बाद कर लेगा। ऐसा तो तुम समझ रहे हो ना, अगर कुछ हो गया तो मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी। सुहेल मैं थक गई हूँ। जरतशाह मुझे कुछ सोचने दो प्लीज। क्या सुहेल, तुम इतने सालों से शहर में रह रहे हो, तुम्हारे कोई भी जानने वाले नहीं है। जरतशाह जानने वाले तो बहुत है, लेकिन मैं इस तरह से तुम्हें किसी के घर में नहीं छोड़ना चाहता, और वैसे भी एक रात की बात तो नहीं है ना, जब तक शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें कहीं भी नहीं छोड़ सकता। तो इसमें क्या है, हम कल कोर्ट जाके शादी कर लेते हैं। इतना आसान नहीं है, कानूनी और शरई तकाजे होते हैं, उन्हें भी हल करना होता है। क्या मतलब, हम कल शादी नहीं कर सकते? कल बहरहाल मैं पहले वकील से मिलूंगा, वो क्या कहता है फिर हम कुछ देखेंगे। अच्छा ठीक है, अभी क्या करें? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल कुछ ना कुछ तो तुम्हारा बंदोबस्त करता हूं, देखता हूं कोई गेस्ट हाउस कोई होटल। प्लीज अम्मी जान, प्लीज आप रोए मत, देखें मैं वैसे ही बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे मजीद गुनहगार मत बनाए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि सरतशा के घर वाले क्या सोच रहे होंगे। अम्मी जान वो अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि शादी के बाद जितना अरसा उसने यहाँ गुजारा वो किस तरह रही, फिर आप उनकी वजह से इतना परेशान क्यों हो रही। तैमूर तुम शायद ये भूल रहे हो, तुम्हारी खाला की शादी सरतशा के भाई से हुई है। अगर उन्होंने जवाबन कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो। अम्मी प्लीज आप सरतशा का मुकाबला सना खाला से तो ना करें, वहां पे वो सना खाला की तारीफ करते करते थकते नहीं है। तैमूर जिद और बदले में लोग सब कुछ भूल जाते हैं। अम्मी जान जहीर समझदार आदमी है, मैं नहीं समझता कि वो बदला लेने के लिए अपना घर बर्बाद कर लेगा। ऐसा तो तुम समझ रहे हो ना, अगर कुछ हो गया तो मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी, वो तो खामखा में अपने घर से बेघर हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा मीजा, और ये फैसला मैंने अपनी जिद या अपनी खुशी से नहीं किया, और ये बात जरतशाह की फैमिली को माननी होगी। तुमने उनको इन्फॉर्म किया? नहीं, जरतशाह जाएगी तो खुद ही बता देगी। तुमने जरतशाह का टिकट करवाया था? मैंने कहा था जहाँ जाना है बता दे, मैं गाड़ी दे देता हूँ, लाहौर की टिकट करा देता हूँ, लेकिन वो नहीं मानी। ये भी गलत किया तुमने, अगर उनके घर वाले हमसे ये पूछेंगे कि उनकी बेटी कहाँ गई तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें? जान मैंने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, अगर नहीं रोक पाया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। सुहेल ने काफी डिसेंट गेस्ट हाउस अरेंज कर दिया है, लेकिन सोबिया के इस रवैये पर अफसोस हुआ मुझे। अफसोस नहीं बल्कि गुस्सा आ रहा है, एक तो झूठ बोलकर हमें एक दूसरे से अलग किया, और आज अगर किस्मत ने हमें फिर से एक होने का मौका दिया है तो
उसे पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है। खैर, मैं क्यों इस बारे में सोचूं? सना का फोन आया था। फिर? उसने तो कोई ऐसी बात नहीं की जिससे पता चले कि ज़र्तशाह घर पहुंच गई है। फिर कहां जा सकती हो? तैमूर, यही तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ। उसकी कोई दोस्त या ऐसा जानने वाला जिसको तुम जानते हो? उसकी एक दोस्त तो है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उससे पूछता हूँ। हाँ हाँ पूछो, ये मसला बहुत सेंसिटिव है। लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं है। अच्छा, ये तो पता है कि वो कहाँ रहती है? जी, उसके फ्लैट का पता है मुझे। तो चलो फिर, देर मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आप भी? अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाती, मगर तुम तो जल्दी चले जाओ उसके पास। मुझे आगे बताओ कि क्या मसला है। जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अम्मी जान, खैरियत है ना? आपने रात को भी खाना नहीं खाया था, आप अभी भी नहीं खा रही? भूख नहीं है मुझे। ये रात को ठीक से सोई भी नहीं है। मेरी तबीयत ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। चलो फिर डॉक्टर को चेक करा लेते हैं। क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों इस तरह की बातें करते हो? मैं ठीक हूँ। सभा बेगम, इसमें क्या हर्ज है? चेकअप कराने में तो कोई हर्ज नहीं है, तो बच्चों वाली जिद क्यों कर रही है? शाह साहब, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है? और क्या, सही तो कह रहे हैं। चले ना, चेक करवा लेते हैं, कहीं बीपी तो ना लो हो जाए। आ जाए बेटा, नाश्ता पहले कर लेते हैं। मैं बचान नाश्ता आके कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। आइए अम्मी जी, चलते हैं। ठीक है, जाओ। तुम लोग क्यों चले ना? ठीक हो जाऊंगी, सिर्फ चेकअप करा के वापस आ जाएंगे बस। कुछ लाऊं आपके लिए? पानी, चाय वगैरह? थैंक यू। सोफिया, आप तो जानती हैं कि हाँ, मुझे सब कुछ पता है। आपके आपके ख्याल में वो कहाँ होगी इस वक्त? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो सही सलामत अपने घर पहुँच जाए, और कुछ नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वापस लाहौर जाएगी, और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि वो यहाँ कभी नहीं आएगी। वो क्या नाम बताया था आपने? सुहेल। उसी से रابطہ करके कुछ पूछ लें। जी, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा है। ज़र्दा शाह तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं इसे क्या हो क्या। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी पता चले प्लीज मुझे बताइए। जी। ज़र्दशाह ने तैमूर से डिवोर्स ले ली। क्या? ज़र्दशाह ने? तुम्हें कैसे पता चला? आप ही का फोन आया था।
हेलो जी, आप ही? सना कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रही हूँ। आप ही, मैं और ज़हीर अम्मी जान को हॉस्पिटल लेके गए थे चेकअप करवाने के लिए। खैरियत क्या हुआ? हाँ, वो कह रही थी उन्हें रात से बेचैनी हो रही है, डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। आप बताएं, खैरियत है ना? आपने दोबारा फ़ोन किया। तुम ये बताओ कि ज़रदशाह घर आई है कि नहीं? नहीं तो क्या वो आ रही है? उसे तो अब तक घर पहुंच जाना चाहिए था। तैमूर के साथ आ रही है? नहीं। क्या मतलब है आपी? सब ठीक तो है ना? नहीं सना, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? ये बताओ, तुम्हारे पास कोई है तो नहीं? नहीं, मैं कमरे में हूँ, अकेली हूँ। आप बताएं। कल रात से ज़रदशाह और तैमूर में अलहदगी हो चुकी है। क्या, ये आप क्या कह रही हैं? आप ही, वही जो हो चुका है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ? मेरा मतलब है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ज़रदशाह रात से इस घर से जा चुकी है। आज सुबह तैमूर उसकी दोस्त के घर भी गया था उसका पता करने, मगर वो वहां से भी जा चुकी है। ज़रदशाह अभी भी उसी लड़के के साथ है। बस मैं चाहती हूँ कि एक बार ज़रदशाह घर वापस आ जाए, फिर वो जाने और उसके वालदैन। आप ही, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सना, ज़रदशाह ने तैमूर से डिवोर्स ले ली है और अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। अब ये खबर कैसे उसके घर वालों को देनी है, तुम खुद सोच लो। मैं तो ये सोच सोच के पागल हो गई हूँ कल रात से। ओके, अपना ख्याल रखना, ताफिस। मैं तुम्हारी बात मानकर यहाँ आ गई थी, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब भी दूँ। ज़रदशाह, मैं तुमसे एक दोस्त की हैसियत से पूछ रहे हैं। आज मैं तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से मशवरा दूँ? अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को मुझे एक तरफ रख कर देखने की आदत डाल दो, फिर नहीं कहना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया। देखिए सुहेल साहब, इतनी जल्दी शादी मुमकिन ही नहीं है। बहरहाल आपको प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? जब पहले शादी की थी तब तो कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना था, तो अब क्यों? मोहतरमा, ये डाइवोर्स पेपर यूनियन काउंसिल जाएंगे, वो इसकी तस्दीक करेंगे और दोनों पार्टियों को नोटिस भेजेंगे। फिर आपको एक लेटर जारी किया जाएगा और हो सकता है इस काम में थोड़ा टाइम लग जाए। वकार साहब, कोई और ऑप्शन, कि जिससे ये काम ज़रा जल्दी हो जाए? आपको वो लेटर निकाहनामे के साथ लगाना ज़रूरी है, और हाँ, अगर आप लाहौर चल जाएं तो मुमकिन है ये काम जल्दी हो जाए। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे कहीं जाना है। ऐसे कैसे? वकील साहब, आप कोई और रास्ता निकालें ना। मैं तो आपको यही मशवरा दे सकता हूँ कि वक्त ज़ाया करने के बजाय आप ये पेपर खुद जाके जमा करा दें। इसके लिए अब मुझे लाहौर जाना पड़ेगा? आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्यों सुहेल? अब तुम रुको ना, मैं कुछ सोचता हूँ ना इस बारे में। चलिए सुहेल साहब, मुझे इजाजत दें, अब मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया वकार साहब कि आप यहाँ तशरीफ लाए। माय प्लीजर्स, थैंक यू। मैं तो वकील साहब की बातें सुनकर परेशान हो गई हूँ। अब करना क्या है? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जिस तरह से वकील बता रहा था, मुझे क्या वाकई लाहौर जाना पड़ेगा? लग तो ऐसे ही रहा। जी नहीं,
मैं लाहौर नहीं जाऊंगी। सरतशाह क्या हो गया तुम्हें? डिवोर्स के पेपर्स सबमिट करवाने हैं और क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी तो लेना है, जरा सोचो तो सही। सुहेल मुझे डर है मैं वहां गई तो वो लोग मुझे रोक ना लें और फिर किसी और के साथ जबरदस्ती। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा बाबा मत जाना, लेकिन अभी तो रिलैक्स करो, कुछ मुझे भी सोचने दो। तैमूर मैं आपके प्यार की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी क्योंकि मैं प्यार किसी और से करती हूँ। और वो भी मुझसे इतना ही प्यार करता है, बस किसी गलत फहमी की वजह से हम एक नहीं हो पाए। लेकिन अब वो मुझे मिल गया है इसलिए आप मुझे डिवोर्स दे दें। आखिर हुआ क्या है? हाँ बोलो बोलो। सरतशाह ने क्या? सरतशाह ने तैमूर से डिवोर्स ले ली। क्या सरतशाह ने? तुम्हें कैसे पता चला? आप ही का फोन आया था, उन्होंने बताया। ये कैसे अचानक हो, कैसे गया? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। जर्तशा कहाँ है? उसका रात से नहीं पता कि वो कहाँ है। क्या मतलब जर्तशा का रात से नहीं पता है कि वो कहाँ है? भाई क्या हुआ, किसने किया है, बाद में देखा जाएगा, पहले ये तो पता करें कि जर्तशा है कहाँ। तुम ऐसा करो, फौरन अपनी आपी को और तैमूर को फोन करो, उनसे पूछो जर्तशा कहाँ है। आप ही ने कहा है कि उन्हें जर्तशाह के बारे में कुछ नहीं पता। क्या मतलब उन्हें नहीं पता है भाई? फौरन पता करना चाहिए कि जर्तशाह इस वक्त कहां है। करो फोन उन्हें, करो अभी करो। नहीं उठा रहे,